वेलकम बैक टू द शो लजीज कुजीन रमजान स्पेशल। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख ही रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कलाम भी सुन रहे हैं और बहुत खूबसूरत बातें भी सीख रहे हैं। हम देखते हैं हमारी नाहिद आपा कहाँ तक पहुँची हैं। पराठा और अंडा, ये देखिए, ये मैंने पराठे बनाए, ये आप बर्फियाँ देखें, ये आप देख रहे हैं, बहुत खस्ता और सॉफ्ट। बिल्कुल। अब ये मैं एक आपको दिखा देती हूँ कि वो मैंने ब्रेक में बना लिए थे, बिकॉज टाइम शॉर्ट है और हमने कलाम भी सुनना है। आपने ज़्यादा घी भी नहीं लगाना चाहिए। एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ इस पराठे के साथ कि इसको आप खस्ता बगैर घी के भी बना सकते हैं। जैसे अभी जो प्रोसीजर किया दैट वाज ओके। उसके बाद अब मैं ये इसको डालती हूँ। टू सेव यू फ्रॉम टाइम यू कैन मेक इट 3 डेज 4 डेज अहेड। ओके, आपने इस, मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। और उसके बाद जब आप इसको आधा सेक के, व्हेन यू कीप इट एंड यू मेक इट द नेक्स्ट डे और ऑन सहूर, इट विल बी एज सॉफ्ट एज यू मेक इट फ्रेश। ओके, ये आपने इसको किया। ये मैं जब दावत वगैरह होती है, आई यूजली डू दिस इवन एट माई हाउस फॉर सहूर। और बिकॉज सुबह के टाइम पे फिर आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो यू कैन, और फिर आपको इफ यू गो, यू हैव टू गो समवेयर, सो यू विल बी हैविंग दीस, पुट देम इन अ प्लास्टिक बॉक्स विद द रैपर, और जितने चाहिए निकाले, थोड़ा सा घी डाला, वो फ्रेश हो जाते हैं। आप, यू विल डू इट लाइक दिस व्हाट आई एम शोइंग यू। सो यू कैन आल्सो डू इट ऑन द ट्रैवलिंग, हैव इलेक्ट्रिक स्टोव। अभी ट्रैवलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रमजान नाउ। ट्रैवलिंग में तो इट्स द नेक्स्ट लेवल। अभी तो फर्स्ट वी विल जस्ट डू इट, वी आर टॉकिंग अबाउट रमजान। तो आपने इतना इसको पकाया, ओके, एंड यू विल टेक इट आउट एंड यू विल कीप इट। ठीक है, इतना आधा कुक करना, हाफ कुक्ड, एंड देन अब आपने नेक्स्ट डे इसको निकाला, यू विल पुट इट हियर एंड यू विल पुट द घी एंड यू स्टार्ट कुकिंग। अगर घी नहीं लगाना तो डोंट पुट घी, जस्ट मेक इट लाइक दैट, बिकॉज ऑलरेडी घी अंदर है। आई मेड 4 पराठा एट अ टाइम, ये जो मैंने बनाया है, वन हियर, one here, and one here. Okay. And see, they are... Yes, it's rising. It's rising. And they will become crisp. और इसी के साथ फिर मैं आपको अंडा पराठा दिखाऊंगी, मगर वो बाद में, क्योंकि ये देख, see. आपने हाफ, यू टेक आउट हाफ, हाफ कुक्ड, देन when यू आर मेकिंग इट द नेक्स्ट डे और इन द मॉर्निंग और एट सहूर, पुट लिटल घी एंड कुक इट एंड दे विल टर्न आउट दिस वे। अब हम कलाम सुन सकते हैं, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। और हम अब इसके बाद आपस से सीखेंगे इसके साथ का अंडा बनाना। हम मूव होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे इजाज़ भाई की आवाज़ में। फॉर द अंडा इंग्रेडिएंट्स, एग्स 2 to 3, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, नाइजेला सीड्स 1 pinch, चॉप्ड ग्रीन चिली 3 to 4, चॉप्ड टोमेटोज 1, chopped onions 1, chopped coriander few leaves, crushed black pepper 1/2 teaspoon, ghee 2 to 3 tablespoons. Main Mohammad ke ghulamon mein hu mashallah, main Mohammad ke ghulamon mein hu mashallah, हर घड़ी लुत्फ़े दवामों में हूँ माशाअल्लाह, मैं मोहम्मद के गुलामों में हूँ माशाअल्लाह, रोज़ो शब मेरे दुरूदों में बसर होते हैं, रोज़ो शब मेरे दुरूदों में बसर होते हैं, विरदे लब उन के सलामों में हूँ माशाअल्लाह, मैं मोहम्मद के गुलामों मैं हूँ माशाअल्लाह, और कैसे कह दूँ के मेरे हाल से नावाकिफ हैं, कैसे कह दूँ के मेरे हाल
नावाकिफ हैं उनकी वल्लाह मैं निगाहों में हूँ माशाल्लाह उनकी वल्लाह मैं निगाहों में हूँ माशाल्लाह मैं मोहम्मद की गुलामों में हूँ माशाल्लाह।